बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है कि नाज़रीन और दोस्तों, मेरी आज की वीडियो नूर मुकद्दम केस के बारे में है। नूर मुकद्दम केस, जैसा आप जानते हैं कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है और इस पर हर रोज़ एक नई वीडियो और एक नया इंकशाफ देखने को मिलता है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाऊं और आप इस पे ख़ुद फैसला करें कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। तो इस सारे प्रोसेस में अगर आप देखें तो मुबशर लुकमान साहब, जो एक साफ़ी है, और इसी तरह मारिया अली और मेरीन सप्टन, साकिब रज़ा और मुख्तलिफ लोग जो हैं इस पे हर रोज़ एक वीडियो, नई वीडियो शेयर कर देते हैं। तो मेरा सवाल ये है उनसे, ये है कि आप किस बुनियाद पर ये वीडियोस बना रहे हैं? एक कोर्ट में केस ट्रायल पर चल रहा है और उसका फैसला अदालत ने करना है कि मुझे किस तरीके से उसने जुर्म किया और कैसे हुआ और उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन नहीं है। और आप इस पर उछल उछल कर बातें कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि वो उसकी बहन जो थी वो वहाँ मौजूद थी और उसने ये सारा किया। तो किस तरह आप किसी खातून, किसी बेटी, किसी की बहन के बारे में इस किस्म के नाजायज़ बातें कर रहे हैं? तो वो थी या नहीं थी, ये पुलिस का काम है उसको साबित करना। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास सबूत है, आपके पास उसका ट्रैवल लॉग है, तो आप ज़रूर इस पर बात करें। बिना सबूत के आप किसी की इज्जत भी इज्जत उछाल दें और ये समझते हैं कि इस तरह आपको चार पैसे मिल रहे हैं, चूँकि सोशल मीडिया से आप लाखों रुपए कमाए हैं आपने सिर्फ एक नूर मुकद्दम के केस को हाईलाइट करके। तो मुबशर लुकमान साहब, बाज आएँ, ऐसी हरकतें मत करें। किसी भी खातून को किसी भी हालत में आप किस तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं? आप जानते हैं कि जाफर ख़ानदान कौन है? आप जानते हैं कि आदम जी ख़ानदान कौन है? आप 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों बार जन्म ले लें तो आप इन दोनों ख़ानदान के बराबर आपका ख़ानदान नहीं है। और आप उनको इस तरीके से जलील कर रहे हैं जिस तरीके से आप का कोई मकसद समझ में नहीं आता। महज सोशल मीडिया से जो इश्तहार आपकी वीडियोस पर चलते हैं उनसे आपको पैसा आता है और ये लाखों रुपए आप इससे कमाते हैं, तो आपका ये प्रोफेशन बन गया कि आप जाएं, आपने अदालत पर कीचड़ उछाला कि अदालत जो है वो ये फैसला इस तरीके से करती है, ऐसे करती है। कभी आप कहते हैं कि पुलिस का रवैया इसमें ठीक नहीं है, पुलिस इस तरह फैसिलिटेट कर रही है, तो ये क्या आपका मकसद है इन बातों का? आप उनको अपना काम करने दें। अगर वो आपके हिसाब से गलत हैं तो आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके चार्ज करें। एक खातून के बारे में नाजायज़ बातें करना, उसकी बहन वहाँ मौजूद थी और उसने जाके नूर मुकद्दम को कहा कि तुम मेरे भाई से एक दफ़ा मिल लो, तो क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? कोई सबूत नहीं है। आप महज मनगढ़ंत बातें करके चार पैसे कमाने के लिए जो आपके मुंह में आता है वो बात कर देते हैं। आपको ये सोचना होगा ये माशरा किस तरफ आप ले जाना चाहते हैं। आपकी मर्ज़ी से अदालत चले, पुलिस भी करप्ट है बकौल आपके और अदालत भी करप्ट है, और सिर्फ आप हैं जो बड़े अच्छे बंदे हैं और जो इंसाफ दिला देंगे। आप तो केस को ख़राब कर रहे हैं। आपका मकसद क्या है? उसकी वालदा का आपने पोस्टमार्टम कर दिया कि जी उसने ऐसे किया, उसने वो फ़ोन किए, उसने ये किया, तो आपको कोई स्टोरीज बनाने के लिए किसने कहा है? आप फैक्ट्स लेके आए, आगे आप कहेंगे जी ये उसने, मेरे पास सबूत है इस बात का। आपका तो खुद भी जो अकाउंट है वो बताता है कि आपने इन वीडियोस के ज़रिए लाखों रुपए कमाए और आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, मारिया अली हो या आप हो। तो आपको अगर कोई वो दे रहा है लीगल नोटिस तो वो जायज़ दे रहा है, क्योंकि आप किसी की इज्जत उछाल रहे हैं। पूरी जफर फैमिली को आपने उठा के, उनके एहसानात जो पाकिस्तान पर हैं वो भी नहीं देखे, उठा के आपने उनको जलील करना शुरू कर दिया। क्यों? आपको किसने हक दिया है कि आप जाके अदालत से
ऊपर जाके आप जाके फैसले करेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आपने इस तरीके से स्टोरीज बयान की हैं जिस तरीके से आप वहाँ मौजूद थे और आप ही ने ये सब देखा है, तो आप अपने किरदार को भी तो देखें। टैक्स आप नहीं देते, आपका टैक्स फिगर क्या है, और जिस तरीके से लैविश जिंदगियां गुजार रहे हैं तो ये तो एक ब्लैकमेलिंग हो गई है आपने, और आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद उसको सेटलमेंट करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? अपने किरदार को देखें, अपने सबूतों को आगे लाएं। अब जी वो इसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, तो कोई फैक्ट्स बताएं। आपके पास क्या सबूत है कि उसकी बहन वहाँ मौजूद थी? आपने उस पर वीडियो बना दी, उसको करेक्टर असेसिनेशन एक बच्ची का किया, उसके बाद आप जाकिर जाफर के पीछे पड़ गए, उसको उसका करेक्टर असेसिनेशन शुरू कर दिया कि वो भी इस जुर्म में शरीक है। आप अदालत हैं? आप कौन हैं? आपको किसने इख्तियार दिया कि आप इस तरीके से आएँ और उसको भी जलील कर दें, इसमत आदम जी को भी कर दें? उनकी फैमिली की अपनी सेक्रीफाइस है, उनके बच्चे हैं। अगर वो उसके लिए गलत कर रही थी तो लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द पुलिस डिसाइड। आप कौन होते हैं कि ये बातें करने वाले हैं और जाके हर शख्स की इज्जत की तजियां बकेर दें कि उसने गई, उसने ट्रिलियन सिक्योरिटी से फोनेक्स से क्यों बात की? वो तो एक सिक्योरिटी फर्म्स है। उसने फिर आपने कहा कि वो जी पुलिस डिपार्टमेंट में उसने किसी से बात की और वो भी करप्ट है, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। आपने रेगुलर कहा और ये ऑन द रिकॉर्ड है, आपने रेगुलर कहा कि उसकी बहन वो आमरा या जो भी उस बच्ची का नाम है उसने इस वहाँ मौजूद थी, उसे भी शामिल तफ्तीश किया जाए। मैं अदालत से अपील करता हूँ कि आपके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए, और अदालत को बदनाम करने और पुलिस को बदनाम करने में आपने जो किरदार अदा किया है उसे वाज़े तौर पर दिखाया जाए कि ये इस तरह नहीं मुल्क चलते। कोर्ट केस डिसाइड कर रही है। जब अमेरिका में 26 बच्चे फायरिंग से हलाक कर दिए गए थे, इसी तरह कुछ और केसेस हुए, तो क्या वो तो सबसे पहले उन्होंने कोशिश की थी कि उसकी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए क्योंकि वो मॉरली तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आपने उसका ठेका ले रखा है कि आप जाके पूरी किसी फैमिली को, अगर वो मुजरिम है तो ये उसको सजा देना अदालत का काम है। आप चाहते हैं कि कानून आपकी मर्जी का बन जाए और फांसी पर चढ़ जाए एक आदमी, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो इस तरह नहीं होता है। आप कभी फौज पुलिस को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, आप कभी बात करते हैं कि अदलिया इस तरीके के, और फिर कभी पाकिस्तान, कभी पैसा। आपने देखा है कि उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने अपनी एक उसकी रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को बचाने के लिए वो किसी हद तक भी बात कर सकते हैं। आपके पास सबूत हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अदालत में जाएं, आप पुलिस के पास जाएं, जी देखें मेरे पास ये सबूत है, आपकी तमाम वीडियोस मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, और मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से अगर मेरा फैमिली से कोई रब्ता होता है तो मैं उनको बताऊँ कि किस तरीके से ये शख्स इसे चंद पैसों के लिए आप ये काम कर रहे हैं। आपको नूर मुकदम से कोई हमदर्दी नहीं है, ना मारिया अली को है ना आपको है। आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे